तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के भौतिक विज्ञान विभाग की ओर से ब्लेंडेड मोड में आयोजित मटेरियल्स एंड डिवाइसेस पर दो दिनी थर्ड राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस NCMD 2022 का समापन किया गया। पूर्व निदेशक NPL CSIR नई दिल्ली और मानद प्रोफेसर केयर IIT दिल्ली के प्रोफेसर विक्रम कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि ने कहा कि मटेरियल्स एंड डिवाइसेस समाज के विकास की रीढ़ है। उन्होंने उद्योग में पॉलीमर और सेमी कंडक्टर्स के अनुपयोगों पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि एक उपकरण को डिजाइन करने के लिए एक उचित मटेरियल का चयन करना महत्वपूर्ण है, इसलिए नई सामग्री का संश्लेषण और कैरेक्टराइजेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन डिवाइस बनाने के उद्देश्य से इन मटेरियल्स का प्रसंस्करण बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में 47 ओरल प्रेजेंटेशन, 26 पोस्टर प्रेजेंटेशन और 6 इनवॉइस टॉक हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुल 79 शोधकर्ताओं ने अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत किए। वहीं प्रतिभागी भारत के 9 राज्यों यूपी, हरियाणा, नई दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से आए। सम्मेलन में जापान और इथोपिया के 2 प्रतिभागियों ने भी अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया। दोनों दिन में कुल 5 सत्र हुए। दूसरे दिन पोस्टर सेशन भी हुआ। उद्घाटन सत्र में हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की प्रोफेसर शालिनी रॉय, जबकि दूसरे दिन हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के प्रोफेसर मुकुल किशोर बतौर सम्मानित अतिथि मौजूद रहे। वहीं प्रोफेसर विक्रम ने गैस सेंसर पर चल रहे शोध पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सेंसर के क्षेत्र में कई शोध पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम वर्किंग मॉडल में परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर्स के संयुक्त प्रयास की जरूरत है ताकि परिणामों का कार्य मॉडल बनाकर मानव कल्याण के लिए शोध निष्कर्षों को परिवर्तित किया जा सके। साथ ही टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने कहा कि मटेरियल्स और डिवाइसेस 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी और प्रगति का आधार है। वहीं दूसरे दिन के गेस्ट ऑफ ऑनर हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के फिजिक्स डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर मुकुल किशोर ने श्री रामचरितमानस से उदाहरण देते हुए कहा कि जब प्रभु श्री राम समुद्र पर पुल बनाने के लिए समुद्र को सुखाना चाहते थे तो समुद्र ने कहा कि समग्र सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, अगर इनमें से किसी एक भी तत्व की कमी होने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है, अतः ये सर्वसिद्ध है कि भगवान भी प्रगति के नियमों से बंधे हैं, इसलिए प्रगति के नियमों का पालन करना जरूरी है ताकि प्रगति का संतुलन बना रहे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर SP पांडे, डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, डॉक्टर अजय कुमार उपाध्याय, डॉक्टर पराग अग्रवाल, डॉक्टर दीप टोनिल बैनर्जी, डॉक्टर पवन कुमार सिंह सहित सभी रिसर्च स्कॉलर्स भी मौजूद रहे।